नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक सिंपल सा वाटर कलर करने जा रहा हूँ। मैं इस वाटर कलर को बनाने जा रहा हूँ, इसमें जहाँ तक आप देख रहे हैं वाइट कलर के फूल हैं, कुछ पत्ते हैं। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग नहीं है, इसमें कलरों का यूज़ होगा। हम इस ड्राइंग में वाटर कलर का यूज़ करने जा रहे हैं। वाटर कलर सिंपल ट्यूब वाटर कलर्स इन वाटर कलर के, और एक दो ब्रश होंगे जैसे ये सारे, बस सारे राउंड ब्रश। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहले सिंपल स्केच बना सकते हैं। हम कई वाइट कलर के फ्लावर्स बनाएंगे। पहले फ्लावर की जगह हम डिफाइन कर लेते हैं कि फ्लावर कहाँ बनाएंगे। हमने कुछ फ्लावर का जगह चुन लिया है और इसमें डिटेल स्केचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे कलर से खेलेंगे। हम अपने सब्जेक्ट को छोड़ के बैकग्राउंड को कलर कर रहे हैं। आप इस वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। पतले से कलर का एक ब्रश चढ़ाएंगे।
बताइए क्या सा स्टैक लेके यूज कर रहे हैं। इस प्रकार बैकग्राउंड को क्लियर करने के बाद हम लिप का इफेक्ट, जब बड़े बड़े लिप्स दिख रहे हैं उस लिप का इफेक्ट डालते हैं। इसके लिए अब हम कलर को ओवरलैप पर आते हैं, जो हमने बेस कलर तैयार कर लिया है बैकग्राउंड का उसके ऊपर हम कलर को ओवरलैप करते हैं। इसके लिए डिटेल स्केचिंग की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको लगे कि आप यह लीफ होना चाहिए, यह ग्रीन कलर देने पे अच्छा लगेगा तो वहाँ उस कलर का यूज़ कीजिए। अपने कलर में येलो की मात्रा बढ़ाकर और घटाकर आप ग्रीन कलर के टोन को एडजस्ट कर सकते हैं।
जहाँ आप ग्रीन कलर को लाइट करना चाहें उसमें थोड़ा सा येलो मिक्स कर दें, और डार्क करना चाहें तो हल्का सा ब्लैक, लेकिन बहुत ही कम। अब बैकग्राउंड को थोड़ा ड्राई होने देते हैं। फ्लावर की जगह आप देखिए हमने उसे वाइट छोड़ रखा है। अब इस पर थोड़ा सा कलर काम करेंगे, हम इस पर लाइट कलर काम करेंगे इसके सेंटर पर, और जितना वाइट दिख रहा है उस एरिया को वाइट ही छोड़ देंगे। मैं हल्का सा येलो लगा रहा हूँ सेंटर में। इसे छोड़ देते हैं थोड़ा देर। व्हाइट फ्लावर्स के बॉर्डर लाइन का शार्पनेस बढ़ाने के लिए हम हल्का सा व्हाइट कलर के यूज़ करेंगे। ये थिक कलर होगा, थोड़ा मोटा कलर होगा, जिससे हम इसके बॉर्डर लाइन को एडजस्ट करेंगे। आप कहीं छोटे फ्लावर्स बाद में भी बना सकते हैं। मैं प्योर व्हाइट का यूज कर रहा हूँ अभी। लेकिन हमने पेपर जो वाइट छोड़ा है उसका इफेक्ट को हम गायब नहीं होने दे रहे हैं, हमारे वाइट कलर को वही सपोर्ट कर रहा है।
मैंने ग्रीन को थोड़ा सा वाइट मिलाकर लाइट किया है। बाकी का इफेक्ट दे सकूं। सबसे पहले मैंने नीचे डार्क कलर किया। एट फर्स्ट मैंने बैकग्राउंड भी किया, वो थोड़ा लाइट कलर था। उसके बाद फिर मैंने डार्क कलर से फ्लावर का जगह चुना हमने। फिर हमने डार्क कलर से बैकग्राउंड बनाया, मेन सब्जेक्ट के आसपास के एरिया को डार्क किया। अब मैं फिर लाइट कलर से ऊपरी लेयर बना रहा हूँ, इससे ड्राइंग में डेप्थ आती है, गहराई आती है। ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस पे और पतले ब्रश से कुछ और फाइन लाइन दे सकते हैं, आप ऐसा ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे। अगर फ्लावर का प्लेसमेंट, लीफ का प्लेसमेंट दूसरे जगह हो जाता है तो भी ये गलत नहीं है। आप अपने हिसाब से रंगों के साथ रंगों को यूज़ करें, इफेक्ट ओवरऑल ऐसा आना चाहिए।
थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो वो गलत नहीं है।